स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत ही ईजी है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है, इंग्लिश पढ़ना बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है गाइज, आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आना है। आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक सेंटेंसेस करेंगे जो आप अगर अपने डेली लाइफ रूटीन में यूज़ करते हैं तो आपका धीरे धीरे आपकी हेजिटेशन दूर होगी, धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होगा। तो प्लीज़ आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से देखिए, एक एक सेंटेंस में अच्छे से करवाऊंगी, हर मीनिंग को करवाऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें, सारे सेंटेंसेस अच्छे से देखें। ट्रस्ट मी, आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और अगर इन सेंटेंसेस का आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो और चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर। फर्स्ट सेंटेंस आ जाता है हु आर यू। देखिए, कहीं पर अगर आप जा रहे हो और आपके सामने कोई इंसान आता है जिसे आप नहीं जानते, तो हमें उससे कैसे बात करनी है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम उससे करेंगे, हु आर यू। हु का मतलब होता है कौन, यू का मतलब होता है तुम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हु आर यू, आप कौन हो। ओके, सबसे पहली चीज़ ये बोलते हैं हम अगर हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो। उसके बाद हमें सेकेंड क्वेश्चन क्या करना है, हाउ आर यू, मीन्स आप कैसे हो या फिर आपके क्या हाल हैं। तो इसको बोलेंगे हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे, यू का मतलब आप या तुम, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। देन उसके बाद आप कहाँ से आए हैं, वेयर आर यू कम फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, वेयर मतलब कहाँ, और कम का मतलब आना या आए, और यू हम यूज़ करेंगे फिर से आपके लिए या तुम के लिए। सो वेयर आर यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो या आप कहाँ से आए हैं। देन व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, डूइंग को हम यूज़ करते हैं करने के लिए, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, वेयर अभी मैंने बताया आपको कि वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो वेयर आर यू गोइंग को हम बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो या आप क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से, वांट मतलब होता है चाहना, से मतलब होता है कहना, जैसे बोलते हैं ना व्हाट यू से, आपने क्या कहा, तो उसी लिए होता है कि व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करना, से मतलब कहना, सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। देन उसके बाद आ जाता है हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जैसे किसी को मदद की ज़रूरत है और हमें उससे पूछना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ या मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। हेल्प मतलब होता है मदद। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। कैन को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर परमिशन के लिए और यहाँ पर हम बोलेंगे समथिंग का मतलब होता है कुछ, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश हो जाएगी कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। उसके बाद में व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। विच योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, विच योर फेवरेट कलर। कैन यू रिपीट इट, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। रिपीट करना होता है कोई चीज़ बार बार दोहराना या रिपीट करना। कैन यू रिपीट इट, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हु द हेल आर यू। अब यहाँ पर जब हम कुछ गुस्सा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हु द हेल आर यू, तो इसका मतलब होता है तुम होते कौन हो। जैसे हम कई चीज़ ऐसी होती है ना जब हम ये बोलते हैं कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो। फिर उसके बाद हम गुस्से में ये भी बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू, तो इसको डेयर नहीं बोलना, हाउ डेयर यू यूँ बोलते हैं, या फिर हाउ डेयर, तो हाउ डेयर यू का हो जाएगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डे यू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, हाउ डे यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। यहाँ पर टॉक का मतलब बात है, ओके। हाउ डे यू का मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट आ जाता है यह मोबाइल किसका है, या फिर यह किसका मोबाइल है, हुज़ मोबाइल इज़ दिस। हुज़ यहाँ पर यूज़ किया है किसके के लिए, किसका, यह किसका मोबाइल है, हुज़ मोबाइल इज़ दिस। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर अ वाइल, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, क्या बनेगा इसकी इंग्लिश, आई विल कम आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, ओके। कम का मतलब आना, आफ्टर मतलब बाद, सो आई विल कम आफ्टर अ वाइल, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ के लिए हम हिंदी यूज़ करते हैं बहाना, तो यह एक अच्छा बहाना है, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़, यह एक अच्छा बहाना है। जाओ और अपना काम करो, गो एंड डू योर वर्क, जाओ और अपना काम करो, क्या बोलेंगे, गो एंड डू योर वर्क। नेक्स्ट उसके बाद आता है ही इज़ नॉट लाइक दैट, वह ऐसा नहीं है, ही इज़ नॉट लाइक दैट। ही यूज़ किया है यहाँ पर लड़के के लिए, ठीक है, लड़की के लिए शी यूज़ करते हैं हम।
इल्यूजन जो है, इल्यूजन वर्ड हम यूज़ करते हैं जब कोई भ्रम हो जाता है हमें, जैसे सामने कोई चीज़ है बट वो एक्चुअली में है नहीं, हमें दूर से लग रही है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इल्यूजन। तो यहाँ पर हो जाएगा, यह तुम्हारा भ्रम है, इट्स योर इल्यूजन, ठीक है, यह तुम्हारा भ्रम है। नेक्स्ट आ जाता है आई नो हिम वेरी वेल। अब हिम यहाँ बात की गई है लड़के के लिए, ओके, अगर लड़की होती तो आई नो हर वेरी वेल हो जाता, तो मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ या जानता हूँ, आई नो हिम वेरी वेल। उसके बाद आ जाता है प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सृष्टि, कृपया समझने की कोशिश करें सृष्टि, ठीक है, जब हम किसी को कुछ ऐसा बोल रहे हैं प्लीज़ समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पर नेम भी ऐड किया है मैंने, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सृष्टि, जैसे हम सृष्टि के नाम की कोई लड़की है और हम उसे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, वह मेरे भाई की तरह है, ही इज़ लाइक माई ब्रदर, वह मेरे भाई की तरह है, लाइक यूज़ करते हैं हम जब हम किसी की तरह बोलते हैं, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर, वह मेरे भाई की तरह है, अमित इज़ माई ब्रदर, अमित मेरा भाई है। अब यहाँ लड़का है सो इज़ माई ब्रदर, ठीक है ना, लड़की होती तो इज़ माई सिस्टर, ये तो कॉमन चीज़ें हैं बहुत, इज़ लगता है एक के लिए, आर होता अगर यहाँ कोई प्लूरल नाउन होता तो आर लगता, और एम लगता है आई के साथ। ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं अपने चैनल में, तो आप प्लीज़ एक बार बेसिक ज्ञान के को विजिट करेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा। यू डोंट वरी निधि, तुम चिंता मत करो निधि, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि फिक्र मत करो, चिंता मत करो, तो उसे हम कैसे बोलेंगे, यू डोंट वरी निधि, ओके। डोंट टॉक टू हिम, अब यहाँ लड़का है इसलिए हमने हिम यूज़ किया, अगर लड़की होती तो हम हर यूज़ करते, डोंट टॉक टू हिम को हम क्या बोलेंगे, उससे बात मत करो, ओके, जब हमें ऐसा कुछ बोलना होता है तो हम क्या बोलेंगे, डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो। सो गाइज, इन सेंटेंसेस को आपको रटना नहीं है और आपको पूरा दिन बोलते नहीं रहना है, सिर्फ आपको माइंड में रखना है, और जब इन सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़े तो आप इन सेंटेंसेस को बोलें। हिंदी को इग्नोर करके थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को अपनी लाइफ में लेके आइए, इंग्लिश के सेंटेंसेस को लेके आइए, जैसे आप हाउ आर यू का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हु आर यू का यूज़ कर सकते हैं, ऐसी जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उनका यूज़ करते करते बड़े सेंटेंसेस पे जाइए, एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे से ही स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आप एक अच्छे लेवल तक पहुँच जाएंगे इंग्लिश में, ओके। तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर, सो बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर न्यू हैं तो बेसिक ज्ञान के को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको वो ज़रूर मिले नोटिफिकेशन के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।